अब हमें अपनी जिंदगी में चंद बातें ये देखनी है। मैं मानता हूं जिन मसाइल पे आप सुबह शाम दोपहर गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी इत्मीनान से यह भी सोचा कि उनसे कुछ फायदा भी हो रहा है कि नहीं, या सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने के काम आ रहा है। रसूलुल्लाह चाहते हैं मोहब्बत बांटो, आप कह रहे हैं नफरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस हद तक अदब करते हैं, इस हद तक अपनी उम्मत से प्यार करते हैं, इस हद तक निसार करते हैं अपने आप को कि एक सहाबी है, एक मस्जिद नहीं बनी, माजगुम जबल वहां इमाम है, नमाज पढ़ा रहे, एक सहाबी पीछे से आए, नियत बांधी, नमाज कुरान में पढ़ने लगे, लुत्फ आने लगा, पढ़ते ही चले गए। अब ये जो पीछे आया था खेत से काम करके आया था, परेशान हाल था, लेकिन नमाज की जमात नहीं छोड़ना चाहता था, जमात की नमाज नियत बांध ली। जब देखा कि नमाज तो लंबी नमाज पढ़ाने लगे, बहुत लंबी हो गई, तो नियत तोड़ी, अपनी नमाज पढ़ी। सुबह को फजर में रसूलुल्लाह के पास गए, या रसूलुल्लाह रात नमाज के पीछे नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी इतनी लंबी पढ़ाई, इतनी लंबी पढ़ाई, मेरी टांगे डूब गई, मुझे भूख लगी हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज को बुलाया और डांटा, आपने क्या सोचा क्या कहा होगा? नबी अलैहिस्सलाम ने डांटा, फरमाया माफ, मैं लोगों को जोड़ रहा हूं तू तोड़ रहा हूं। इतनी नमाज पढ़ाओ हल्की फुल्की कि किसी को तकलीफ ना हो। जिसको लंबी पढ़नी है, ज्यादा कुरान पढ़ना है, वो अपनी नफली पढ़ता रहे, क्योंकि अपने महबूब को अल्लाह के बंदों से, रसूलुल्लाह को अल्लाह के बंदों से प्यार है, वो तो इबादत में भी अपनी उम्मत को तकलीफ नहीं देना चाहते। और इबादत क्यों बनाई भाई? इबादत इसलिए बनाई क्योंकि अल्लाह करीम चाहते हैं कि मेरे बंदे लोगों से प्यार करने वाले बंदे बने, जुर्रत वाले बंदे बने, हिम्मत वाले बंदे बने। लेकिन अब हम बंदे कैसे हैं? अब सच सच बताओ, इत्मीनान के साथ, सच्ची सच्ची इत्मीनान के साथ एक बात बताओ कि जो लोग नमाज पढ़ते हैं क्या वो लोगों से प्यार भी करते हैं? क्या जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो रास्ते से पत्थर भी हटाते हैं? क्या जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो गरीब को पकड़ के खाना खिलाने लेके जाते हैं? क्या जो नमाज पढ़ते हैं वो माँ बाप की डांट सुन लेते हैं? क्या जो नमाज पढ़ते हैं वो अपनी माँ के पांव दबाते हैं? क्या जो नमाज पढ़ते हैं वो अपने बाप से भी कभी गले मिलते हैं? बताओ तो सही कि नमाज पढ़ने वालों में ऐसी कौन सी सिफात है जो रसूलुल्लाह चाहते हैं? हमने दीन को क्या समझा भाई? दीन का नाम सिर्फ कपड़े पहन लेना, पांच वक्त नमाज पढ़ ली, हो गया दीन? नहीं, सुनो इत्मीनान के साथ, अगर किसी बंदे की नमाज उसको आदाब मोहब्बत रसूल नहीं सिखाती, आदाब मोहब्बत रसूल क्या है? जो रसूलुल्लाह चाहते हैं वैसी जिंदगी हो, जो रसूलुल्लाह चाहते हैं वैसी जिंदगी हो। अब रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं जी? रसूलुल्लाह चाहते हैं कि मेरा नमाजी झूठ ना बोले, मेरा नमाजी किसी बेटी की तरफ गंदी निगाह नहीं डाले, मेरा नमाजी किसी के साथ ठगी नहीं करे, मेरा नमाजी अपने बाप के आगे ऊंची आवाज में बात नहीं करे, मेरा नमाजी अपनी मां की बेइज्जती ना करे, मेरे नमाजी के पड़ोसी उससे खुश हो नाराज ना हो। अब सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर हम नमाज पढ़ते हैं ये बातें हमारे दिल में कभी आती है कि नहीं आती है? आती है ये दिल में बातें? कुरान पाक ने जिक्र किया, फरमाया नमाजी वो है, बुल्ले शाह ने उसका पंजाबी में जिक्र किया, फरमाया नमाज नीति ते न्याज ना दित्ती, नमाज नीति ते न्याज ना दित्ती, तेरिया किस कम पढ़िया नमाजा आई तल्लाजी युकज्जिबु बिद्दीन। कुरान पाक में आयत पढ़ लीजिएगा जाके, अपने मौलवियों से तर्जमा करवा लिया करो। फरमाया जो नमाज पढ़ते हैं ना इनकी नमाजें खराब है, या अल्लाह किन की? फरमाया जो नमाज तो पढ़ते हैं यतीम को खाने नहीं पिलाते, नमाज तो पढ़ते हैं मिस्कीन की जरूरत ही नहीं पूछते, इनकी तो हुई नहीं। नमाज पढ़ी तो न्याज ना दित्ती, तेरिया किस काम पढ़िया नमाजा
कहता यार नमाज तो पढ़ता है, कोई अच्छा काम नहीं करता है। नमाज तो पढ़ता है, कोई अच्छा काम नहीं। फिर इसका मतलब नमाज नहीं हो रही। अच्छा नमाज तो पढ़ता है, अच्छा बोलता नहीं है, नमाज नहीं हुई। अच्छा नमाज तो पढ़ता है, पड़ोसी की बेइज्जती करता, और नमाज नहीं हुई। ये किसने कहा कि सिर्फ पांच वक्त सजदा कर लिया? नहीं, जब तक ये सजदे आपको पाबंद ना कर दे मोहब्बत के। और अच्छी तरह पढ़ो। कई लोग मुझे पूछते हैं कि अगर नमाज सही तरह हो ही नहीं, करे क्या? और अच्छी तरह पढ़ो। नमाज के अलावा कोई रास्ता ही नहीं जो आपको बुराई से निकाल के अच्छाई की तरफ ले जाएगा। और अच्छी तरह पढ़ना है, अपने गिरेबान में झांकना है, झांकेंगे इंशाल्लाह। इश्क और मोहब्बत का सिलसिला रखना है, लेकिन जुर्रत के साथ, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ। लोगों से मोहब्बत करनी है, रसूलुल्लाह का हुक्म है। मोहब्बत का इजहार, सिला रहमी का इजहार, दूसरे से नरमी का इजहार, सिर्फ ये देख के नहीं कि ये हमारी बरादरी का है और ये हमारे मजहब का है। नहीं, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने जब सैयदना बिलाल की मदद की तो ये थोड़ी बात थी कि मुसलमान, मुसलमान तो कभी हुए ही नहीं थे। उस बुढ़िया का सामान उठाया जिसके अपने घर तक जाना था, बोझ नहीं उठा पा रही थी, इसलिए थोड़ी उठाया उसको मुसलमान होना था। नहीं नहीं, नबी अलैहिस्सलाम गरीबों की मदद, मिस्कीनों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम चाहते हैं कि लोगों के साथ सिला रहमी का मामला रखा जाए, लोगों के साथ प्यार का मामला रखा जाए, लोगों के साथ मोहब्बत का मामला रखा जाए। और मोहब्बत में बेवफाई जो है, वो जो है किसी और के साथ जब बंदा बेवफाई करता है तो अल्लाह तबारक व तआला को वो पसंद नहीं है। किसी ने कहा है ना कि मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, इधर तकने उधर तकने से नियत टूट जाती है। जिस तरह इमाम के कहने पे रुकू है, इमाम के कहने पे सजदा, इसी तरह जिनसे प्यार है, जिनसे वफादारी है, फिर उन्हीं के साथ है। ये नहीं हो सकता कि ठीक है मर्द और औरत में भी मोहब्बत हो, ये नहीं हो सकता कि आज इसके साथ कल उसके साथ परसों। उसको अय्याशी कहते हैं, हरामखोरी कहते हैं, बदमाशी कहते हैं, उसको मोहब्बत नहीं कहते। उसका रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने जायज निकाह के जरिए अता फरमाया। और सिर्फ वही मोहब्बत नहीं है, मां बाप का कहना मानना आदाब मोहब्बत के सुलूक में से है, उनकी डांट सुन लेना आदाब मोहब्बत के सुलूक में से, पड़ोसी के मुंह में लुकमा डालना कि उसके पास कुछ नहीं, ये मोहब्बत के आदाब में से है। आपने तो बस सोचा कि बस व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे को स्टिकर मोहब्बत के भेजते रहो, बस हो गई मोहब्बत। नहीं नहीं नहीं, जिनका दिल वफादार नहीं है वो मोहब्बत कर ही नहीं सकते।